ये देखिए दोस्तों, हमारे एक से एक खसी लोग एक छोटा सा ब्रिज को पार कर रहे हैं। यो, ये एक नंबर। तो दोस्तों जोहार 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 दोस्तों, हम लोग बहुत दिन के बाद फिर से आए हैं ब्लॉक में। कुछ पर्सनल इशू की वजह से हम लोग काम में थे अपना, कुछ एग्जाम वगैरह की तैयारी में। तो लेकिन अब जो है हमारा रेगुलर कंटेंट आएगा आज ब्लॉक में, तो आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तीमान तो हम लोग ले जा रहे छगड़ी चराने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारा ये हमारे इस गांव में इसी लफड़ा छगड़ी से प्रसिद्ध है। और अब हम लोग आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं छगड़ी कैसे चराया जाता है गांव में, जंगल में देख सकते हैं आप। चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरह हम लोग बकरी को चराते हैं। प्राचीन काल से चलता आ रहा है हमारा परंपरा हमारे हिसीम गाँव में। और आप लोग हम चलिए दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, एक जो बकरी है ये दूसरे डायरेक्शन में चल गया है, साला। बहुत ही झूठ झाड़ से निकालना पड़ रहा है इसको। तो दोस्तों बकरी से हम लोग जंगल में लेके आए हैं। देखिए छड़ी लोग इधर कभी इधर घुसता, कभी इधर घुसता, इधर उधर घुसता घुसी होता है गजार में। ये देख सकते हैं बकरी को सारा, ये हमेशा इधर उधर घुसते रहता है, एनी टाइम हमारा खाली पीली करते रहता है। तो देखिए अभी हम लोग जंगल में इन लोग को ले जा रहे हैं। तो ये कितना चाव से खा रहा है, इस पत्ता का जो नाम है, इस पत्ता का नाम है जामुन पत्ता। ये कितना चाव से खा रहा है, थोड़ा देखिए इसको बाहुबली के स्टाइल में। ये देखिए। अरे दोस्ती वाला, अब हम लोग जो छगड़ी सबको जंगल में एकदम रिलीज कर चुके हैं, एकदम पूरी स्वतंतर तरीके से। और आप लोग देख सकते हो छगड़ी सा हमारा एकदम जंगल में घुस रहा है। घुसते हुए हम लोग छगड़ी को हम लोग किस तरह से करके बुलाते हैं, ड्र आ करके बुलाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं हमारे जंगल में, गहरा जंगल में। तो दोस्तों हम लोग को इस जंगल में बहुत ही खतरनाक प्रकार के जो है पंख मिले हैं। कौन से प्रकार के हैं ये पता नहीं, कौन से पक्षी के हैं, कौन सा चराई का है ये लाल लाल कलर का है। ये देखिए पूरे यहाँ जमीन में पड़े हुए हैं, बहुत लगता शेर होगा, मरा होगा, अपना शिकार बनाया होगा, अपना रोजी रोटी चलाता होगा बेचारा। तो ये देखिए दोस्तों, दोस्तीमान हम लोग बहुत ही डेंजर रिस्की जोन में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हमारे दोस्त लोग हम लोग जंगल की ओर हम लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक फल देखने को मिलता है, वो सब हम आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये जो इलाका है, ये इलाका हाथी का इलाका है, जो कि कभी भी इन लोग आ जाते। तो दोस्तीमान जैसा कि आप लोग को बताए थे, यहाँ पे बहुत प्रकार के प्राचीन काल के यहाँ पे फल मिलते हैं, जिसमें से एक ये भी है जिसका नाम है बेंची पकल। ये देखिए बेंची पकल, आइए आप लोग को हम और भी चीज दिखाते हैं, आप जल्दी आ जाइए। दोस्तों ये जो पेड़ है, इस पेड़ का नाम है प्यार पेड़, हम लोग बोलते हैं इस पेड़ को प्यार पेड़ नाम से। ये देखिए उधर भी एक है। और इसका सीजन जो है दोस्तीमान, इसका सीजन आ गया और इसी वक्त ये पकता है, जिसको खाने में बहुत हम लोग चाव से खाते हैं। चल तो दोस्तीमान, जहाँ तक हम आपको बता दें, हम लोग इतना रिस्की जंगल में आ ही गए हैं कि चलिए ना आपको हम बता दें इस पत्ते सबका क्या नाम है। इस पत्ते का नाम जो नाम है, इस पत्ते का नाम रीड़े है, इसका नाम सराय है। तो दोस्तों इधर देखिए, ये जो पेड़ है, इस पेड़ को तो आप जानते ही हैं, एकदम भली बात है। क्या बोलते हैं, सराय पेड़ बोलते हैं हम लोग। और उधर देखिए बोलते हैं भेलुआ, ये छोटा छतरी भेलुआ है। इस भेलुआ पे इसका फल भी हुआ है। और इस पत्ते का जो नाम है, इस पत्ते का नाम है केंद्र पत्ता। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस पत्ते का एकदम खुफिया राज है, इस पत्ते से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जिसका नाम है चुरचू पत्ता। तो दोस्ती मान, हम लोग का छगड़ी लगने का टाइम हो गया है और हम लोग को छगड़ी नहीं मिल रहा है। गजार में है तो आधा गजार में, तो चलिए छगड़ी का हम लोग खोजने का मिशन करते हैं। चलिए तो इधर कुछ है बकरी लोग, और ढूंढते हैं और सब किधर है, उसके बाद गजार में घिसट के इन लोग को निकालते हैं और आप लोग के सामने पेश करते हैं हम लोग। का आधा बकरी मिला है और आधा बकरी शायद आगे चल गया है। तो देखिए छगरी को बुलाने का कोड वर्ड जो है वो ड्रू आ करके बुलाते हैं, ड्रू आ। तो चलिए मिलाते हैं थोड़ा देर में और बकरी लोग से। तो हम लोग घर जा रहे थे, उसी बीच हमारी मुलाकात हुई कुछ इस पेड़ से,
जिनका नाम है केंद्र का पेड़। और जी और इसका फल जो है ये है, इसको तो आप हरी भरी जानते होंगे, इसका नाम है केन। और ये छोटू जो है बहुत चाव से खा रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए अब बकरी को ढूंढते हैं। तो देखिए अभी सनसेट हो रहा है और हम लोग का जो बकरी है वो सब घर ले जाने का टाइम आ गया है। आराम से चल रहा है ये, देखिए हम लोग का बकरी लोग इधर है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय।